तुमने यहां आने की जो गलती की है ना, अगर मैं उसकी सजा दूं तो सिर्फ मौत बनती है, मौत। क्या क्या तुमने उन्हें आया के साथ? अपनी गंदी जुबान से उसका नाम मत ले, वरना तुम्हारी कुत्ती से जुबान खींच कर बाहर फेंक दूंगा। निगरानी सख्त करो, मैं आ रहा हूं पाकिस्तान और सीधा हॉस्पिटल आऊंगा। और हाँ मालिक, वो एक डॉक्टर है, थोड़ा तंग कर। जो भी मसला कर रहा है ना, उसे ठिकाने लगाना तुम्हारा काम है। इस लड़के को गोली मैं मारूंगा आके। ऐ गमजदों को हौसला और सब्र देने वाले, मेरी बहन के गमों को दूर फरमा और मुझे उसकी हालत पे सब्र करना सिखा दे। याला बस अब तू ही मेरी बहन का सहारा है। मैंने तेरे ही सहारे उसे वहां छोड़ा, उसका ख्याल रखना। याला तेरे लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। मेरी बहन के गमों को खुशियों में बदल दे, उसकी खुशियों का सबब बना दे। मेरी बहन को अपनी हिफाजत अपने हिफ्ज़ो अमान में रख। मेरी बहन पे रहम कर। अम्मी, दुआ की जगह के सब ठीक हो जाए। सब ठीक हो जाए? हाँ, वो खालिक, उसके अब्बा, वो हॉस्पिटल में है, उनकी तबीयत खराब है, तो उनके टेस्ट वगैरह ठीक आ जाए उसके लिए कह रहा हूँ कि दुआ कर ले। अच्छा अच्छा, आमीन। मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ हया को? हया को? वो ही है ना हॉस्पिटल में? हाँ, actually I'm really sorry, मैंने तुम्हें बताया नहीं, काफी परेशान था। जब से हया की हालत का पता चला मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। परेशान खाला और खालू जान भी बहुत है आपके लिए। हया के अलावा आपके वालिदैन का भी हक है आप पर, उनकी तकलीफ के बारे में भी सोचिए। फिलहाल मुझे बस हया को बचाना है, उसकी हर तकलीफ मेरी हर तकलीफ पर हावी है। सयान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मना किया था ना तुम्हें यहाँ आने से मैंने। आपको जो भी कहना है, डांटना है, मुझे गाड़ी में बैठ कर डांट लीजिए। अभी बस मेरे साथ चले प्लीज। बहुत ढीठ हो तुम। कितनी बार तुम्हें मैंने मना किया कि हमारी जान छोड़ दो, मेरे लिए मुश्किलात पे मुश्किलात पैदा किया जा रहे हो। कोई मुश्किलात खड़ी नहीं होंगी, बहुत इमरजेंसी है इसलिए आपसे कह रहा हूँ, आप प्लीज चले मेरे साथ। अच्छा, मैं चादर लेके आती हूँ। अजीज आ गए तो एक अलग हंगामा भी खड़ा कर दे। एक मिनट, आप अपने घर की चाबी पड़ोस में दे दें। और अजीज भाई का क्या है, वो वैसे भी हर बात पे हंगामा करते हैं, तो आप इस वक्त प्लीज मेरे साथ चलें, बहुत इमरजेंसी है। नहीं नहीं, उनके पास घर की दूसरी चाबी होती है, अब अल्लाह खैर करेगा। तो बस आज क्या हो गया वली तुम्हें? क्या हो गया? मेरे पीछे तुम औरतों की बातों में आ गए हो? हाँ, अकल क्या घास चरने गई हुई थी तुम्हारी? जब ये बात तय थी कि वो लड़की मर के भी वहां से नहीं निकलेगी, उसकी मट्टी की ढेरी भी वहीं बनेगी, तो फिर
गलती होगी मुझसे मालिक। गलतियां तो मुझसे हो रही है। मालिक वो वहीं फिर रहा है, उसी हॉस्पिटल में और पूरी सिक्योरिटी में। और हाँ मालिक, उसकी बहन भी आ गई है। इनका हिसाब आज ही होगा, इनका हिसाब आज ही होगा। अल्लाह खैर करे वहां कोई तमाशा या हादसा ना हुआ हो। मेरी तो दुआ है कि वहां ऐसा फसाद मचे जो इस घर की दरो दीवार को हिलाकर रख दे। इस मैमूना भाभी और फुप्पो की आंख से ऐसा दरिया बहे कि मेरे अंदर की परसों की लगी आग ठंडी हो जाए। मुझसे तो बात करो हया, मेरा क्या कसूर है? मुझसे क्यों नाराज हो रही हो तुम? आपको यहां नहीं आना चाहिए था। अपनी हालत देखो, तुमसे मिलने आई हूं मैं। मैं मर जाती तो बेहतर था। हया ऐसी बातें मत करो, समझती क्यों नहीं हो? हम दोनों एक दूसरे को दिल से चाहते हैं, नहीं रह सकते एक दूसरे से जुदा होकर। सयान तुमने यहां आने की जरूरत कैसे की? ना महरम हो तुम मेरे लिए, और मुझसे अपने प्यार मोहब्बत की बातें मत करना। हया मैं जानता हूं कि ये सब उस जाफर गिडर की वजह से कह रही हूं। तुम इस बात से खौफजदा हो कि कहीं वो मेरी जान ना ले ले? मैं जाफर इलाही के साथ किसी प्रेशर में नहीं रह रही हूं, और ना ही मुझे उसका डर है। डर है तो सिर्फ अपने खुदा का। और सुनो जयान, अब तो मेरे कुछ नहीं लगते। मैं जाफर इलाही की बीवी हूं, इसलिए तुम मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दो। हया जो निकाह जाफर ने तुम्हें डरा धमका कर किया था उसे निभाने की जरूरत नहीं है। तुम अभी चलो मेरे साथ अदालत और बस खुला लो। ठीक कह रहे हैं जयान, खत्म करो इस जबरदस्ती की शादी को। इन दोनों की जुबान तो मैं बन। हाँ मैं मानती हूँ, मानती हूँ कि मैंने ये निकाह इसकी जान बचाने के लिए किया था, मगर कबूल जबान से नहीं दिल से किया था। आप ही तो हमेशा कहती थी कि हर इंसान की पैदाइश, निकाह और मौत आसमानों पर तय हो जाती है, बस उसके असबाब और वक्त जमीन पर तय किया जाता है। मैं जाफर से इनकार कैसे कर सकती थी निकाह से, जब वो पहले ही आसमानों पर लिखा जा चुका था। अब मैं इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहती हूं। आप इसे लेकर जाएं यहां से और अच्छे से समझा दें कि अब मैं इसकी मोहब्बत नहीं, जाफर इलाही की इज्जत हूं। मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दे, और आज के बाद मेरा नाम अपनी जबान पर भी मत लेकर आए। हया को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के घर लेकर आओ। और सयान के लिए क्या हुक्म? अरे उसका हुक्म सुना चुके हैं, उसकी मोहब्बत सजाए मौत पा चुके हैं।
हमें अब उसे मारने की जरूरत नहीं। जाफर भाई अब उस लड़की को कभी माफ नहीं करेंगे। बेवफाई भी तो एतबार का कत्ल है। जाफर उसे दूसरा खून हरगिज माफ नहीं कर सकता। लेकिन मुझे उस लड़के की हिम्मत और गैरत पे हैरत है। मोहब्बत में इतना दीवाना कैसे हो सकता है को? कि ना अपनी जान की परवाह है और ना उसकी। दीवानों का अंजाम अच्छा नहीं होता। वैसे मैमूना भाभी, मैं आपके जज्बात समझ सकती हूँ। आपकी बेचैनी की वजह मालूम है मुझे। अब आप उस लड़की की तरफ से बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं। वो मेरे लिए इतनी अहम नहीं कि मैं उसके लिए परेशान हूं, और ना ही वो मेरे बराबर की है जिसके लिए मेरा दिल बेसुकून हो। मुझे जाफर की फिक्र है, वो अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचा। तुम्हें है ना उससे हमदर्दी, तो तुम सोचो उसके बारे में कि बेचारी पे अब क्या बीत रही होगी। मैमूना भाभी, कहीं बैठे बैठे आपको क्या हो जाता है? मुझे कोई हमदर्दी वमदर्दी नहीं है उस हया की बच्ची से। मैं भी चलूं आप लोगों के साथ? नहीं, इजाजत नहीं है। आप उसकी हालत तो देखें, उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसे जरूरत है मेरी। घर में बहुत सारी मुलाजमा है, ख्याल रख लेंगी उनका। ठीक है, अभी बहुत देर हो, फोन पे बात कर सकती हूँ? हाँ ठीक है, तुम अपनी बहन से मिल, मैं भी आता। शुक्र अदा करो कि मालिक ने तुम्हारी जान बख्श दी, गोली नहीं मारी तुम्हें। और मैं भी तुम्हें आखिरी बार जिंदा वापस जाने दे रहा हूं। आइंदा अगर ऐसा कुछ हुआ ना, तुम्हारे घर में मातम की दरिया पहले बिछेगी और मैयत बाद में जाएगी, समझे? अस्सलाम वालेकुम मेरे साहब, अल्लाह का शुक्र है आप खैरियत से घर वापस आ गए। वालेकुम अस्सलाम, आया आ रही है थोड़ी देर में, नर्स भी है उसके साथ, सो उसका रूम खुलवा देना। हम आगे कमरे में कॉफी भिजवा। यहाँ वापस आ रही है, साथ में नर्स भी है, कमरा भी तैयार करवा दो। भाभी जान, मेरी हमदर्दी को आप ये ना समझ लीजिएगा कि हया मेरी जिंदगी में कोई खास अहमियत रखती है।
वो मेरे लिए बहुत कम अहमियत भी नहीं रखती। इस बात को तुम भी समझ लेना। मैं आपका दर्द समझती हूँ, आपकी महरूमी, तिश्नगी। मैं भी इन नसीहतों से गुजर चुकी हूँ। जवानी में बेवकूफी का सदमा उठाना एक औरत के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होता है, मगर एक शादीशुदा होकर भी बेगम साहब साहब आ गए, वो भी पीछे ही आ रही है अपनी नर्स के साथ। अब साहब ने कमरा भी साफ करवाने को बोला है। ठीक है, जो बोला है जाकर करो। आप लोग भी चले ना अम्मा के कमरे में, साहब वहीं बैठे, उन्होंने कॉफी भी मंगवाई है। आप लोगों के लिए बनाऊं कुछ? मैं बनाती हूँ कॉफी जाफर के लिए, तुम जाओ। रेशम तुम भी जाओ, अपने भाई से मिल लो। जी भाभी जान। तुम उस लड़की को माफ करके घर ले आई, है तुमने अच्छा नहीं किया जाफर। और नहीं तो क्या भाईजान, उसने आपकी इज्जत का तमाशा बना के रख दिया। वहां मुलाकातें चल रही थी और आपने इतनी आसानी से उसे माफ कर दिया। माफ नहीं किया, एक्चुअली वो बीमार है, बेबस है, कमजोर है, और कमजोर पे वार बोझते लोग करते हैं। और वो लड़का जो बड़ी दीदा दलेरी से उससे मिलता फिर रहा था, उसे क्यों जिंदा छोड़ दिया? जिंदा नहीं है, मैंने ठुकरा दिया उसकी मोहब्बत। उसने साफ साफ बता दिया क्या वो मेरी इज्जत है। उसने उसे ठुकरा दिया, ये तुम्हें कैसे पता चला? मैंने खुद सुना, के बाहर पढ़ा था। ये भी तो हो सकता है कि वो जानती हो कि आप बाहर खड़े हो, ड्रामे कर रही होगी। कॉफी को काका परवीन को अभी तक लेकर नहीं आई। वो आपके लिए कॉफी बना रही है, मैं मुना भाभी मैं देख के आती हूँ। वैसे अभी आपको एक दो दिन मजीद हॉस्पिटल में ही एडमिट रहना चाहिए था। देखें अभी भी आपकी सांस कैसे उलझ रही है। कुछ चाहिए तो बता दो। मेरे लिए एक कप चाय और इनके लिए कहवा ले आए शहद डाल के, और फिर सूप वगैरह भी दें। सांसें तो आने तो पहले इसकी, फिर कहवा और सूप भी पिला देंगे। तुमने उसे जिंदा घर वापस लाकर अच्छा नहीं किया। तुम मेरे हौसले और मेरे जब्त को बार बार आजमा रहे हो, ये अच्छा नहीं कर रहे तुम, अच्छा नहीं कर रहे। जो काम तुम बार बार अधूरा छोड़े हो जाफर,
लगता है वो मुझे ही पूरा करना पड़ेगा। अल्लाह ताला तुम्हारी तकलीफों को जल्द खत्म करे। अब तो पहले से बेहतर हूँ। हाँ, बेहतर हूँ। आप वक्त पर हॉस्पिटल ले गई वरना पता नहीं क्या होता। देखो हया, मैंने तो तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब शायद मैं तुम्हारी मदद ना कर सकूं। हयात, तुम्हें खुद हिम्मत करनी होगी। तुम्हें अपने हक के लिए, अपनी जिंदगी के लिए खुद लड़ना होगा। अपने दामन पे लगे हुए दागों को धोना होगा। पप्पू अम्मा और जाफर भाई को सफाइयां देनी होगी। क्या मतलब, क्या हुआ? मतलब ये हया कि जब तुम हॉस्पिटल में थी तो सयान तुम्हारे पास था। सबको ये बात मालूम, जाफर भाई को भी। कहा जान से अब कोई वास्ता नहीं है। इस बात का यकीन कर लिया तभी उसे यहां लेकर आए। उस लड़की का इस घर से कोई वास्ता नहीं रहेगा, कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। इस बात की जमानत दे सकते हो? यहाँ तो मुलाजमों की भी मुलाजमत करनी पड़ेगी, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। क्या हो गया अब? वो जो नर्स आई है ना उसकी खिदमत के लिए, उसे चाय चाहिए, और मैडम के लिए उसने कहवे का ऑर्डर किया, वो भी खालिस जहर डाल के, और उसके बाद देसी मुर्गी का सूप। जहर डाल दो उसके कहवे में। वाकई? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, जाओ अपना काम करो। अब आप खुद देख लीजिए, इतने दिनों बाद मैं घर आया हूं तो घर पर ताला डालकर निकल ली। मुझे पूरा यकीन था कि इसने मुझे देख लिया, लेकिन ऐसे शो किया जैसे देखा ही नहीं है, और फिर आप कहते हैं कि मैं गलत हूं। चलें अजीज भाई, उन्हें कोई जरूरी काम होगा और यकीनन उन्होंने आपको नहीं देखा होगा, वरना वो क्यों जाती। अच्छा चले, मेरी तरफ चले, चाय पीते हैं। नहीं नहीं नहीं, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो किस्मत ही खराब है, ख्वारी और तन्हाई मेरी एक मुकद्दर में लिखती गई है। अल्लाह ही भला करेगा मेरा। अच्छी भली संभली हुई तबीयत थी, जरा सी देर में फिर खराब हो गई। लगता है आपने किसी बात की टेंशन ले ली। मैं भला किस बात की टेंशन लूंगी। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? आपको देखने नहीं आए? वो मुल्क से बाहर गए हुए हैं। मुझे तुमसे इतना पूछने का हक तो है ना कि तुमने उसका इतना बड़ा जुर्म माफ क्यों कर दिया?
उसका जुर्म साबित नहीं हुआ अभी, सिर्फ उसे इस घर में मुंतकिल किया है, माफ नहीं किया। वो उसके पास था, इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए था तुम्हें? वहां तुम्हारी गैरत और इज्जत की धज्जियां बिखर रही थी और तुम कह रहे हो कि जुर्म साबित नहीं हुआ। उन दोनों को तुम गैरत के नाम पर भी कत्ल कर देते तो तुम पर कोई हद ना लगती, मगर तुम तो बड़े एहतराम से उसे घर वापस लिया। अल्लाह का ज्ञान से अब कोई वास्ता नहीं है, इस बात का यकीन कर लिया तभी उसे यहां लेकर आए। उस लड़की का इस घर से कोई वास्ता नहीं रहेगा, कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, इस बात की जमानत दे सकते हो? मेरा पहले भी उससे कोई ताल्लुक नहीं था, और आने वाले दिनों में कोई वास्ता भी नहीं होगा। I'm very tired. आराम करना चाह रहा हूं। अगर आप लोगों की अदालत खत्म हो गई है तो मैं जाऊंगा। इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है, क्या करूं? इनसे पूछें। Excuse me. तुम्हें जिस काम के लिए बुलाया है वही करो जाकर। अजीज आ जाएं, खाना खा लें, आपको भूख लग रही होगी। ये मेरी फिक्र करने की जो ड्रामेबाजी कर रही हो ना, मत किया करो। बड़े अफसोस की बात है वैसे अजीज, इतने सालों से आप मेरी मोहब्बत को झूठ और मेरी फिक्र को ड्रामा समझते आ रहे हैं। आपको अंदाजा भी है आपकी इन बातों से कितना दिल दुखता है मेरा। मुझे ये बताओ कि ये ज़ियान से ताल्लुकदारी कब तक चलेगी? हया के बाद से मेरा ज़ियान से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो उसने हया को हॉस्पिटल में देखा, घबरा गया था, इसलिए मुझे लेने के लिए आ गया था। मतलब ये कि ये दोनों बाज नहीं आएंगे? शादी होने के बावजूद अपने पुराने आशिक से मिल रही है, उसे मेलजोल रख रही है। अरे भाई, अगर यही मुआशके लड़ाने थे तो उस शरीफ आदमी का क्या कसूर, उसे क्यों निकाह कर लिया? खौफे खुदा है मेरी बहन को, और उसने जाफर इलाही से निकाह नामे पे महज दस्तखत ही नहीं किए बल्कि दिल से शौहर भी माना है और उसे हमेशा निभाना चाहती है। तो फिर ये ज़ियान उसे क्यों मिल रहा है, क्यों उसके पीछे पड़ा है? अब ज़ियान उसके पीछे नहीं जाएगा। नहीं मिलेगा, मुझे तुम्हारी इस बात पे यकीन नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसा। अल्लाह करे कि हया की हुई बातों का असर हो जाए ज़ियान पे और वो उसके बारे में सोचना छोड़ दे। सयान, तुमने यहां आने की जरूरत कैसे की? ना महरम हो तुम मेरे लिए, और मुझसे अपने प्यार मोहब्बत की बातें मत करना। मानती हूं कि मैंने ये निकाह इसकी जान बचाने के लिए किया था, मगर कबूल जबान से नहीं दिल से किया था। आप इसे लेकर जाए यहां से और अच्छे से समझा दे कि अब मैं इसकी मोहब्बत नहीं, जाफर इलाही की इज्जत हूं। मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दे और आज के बाद मेरा नाम अपनी जबान पर भी मत लेकर आए। आपकी चाय बड़ी बड़ी ठंडी हो गई थी, दोबारा बना कर लाई हूँ। क्या बात है ज़ियान,
आप जब से आए हैं परेशान और गुमसुम हैं। हाँ वो बस तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। हया की वजह से परेशान है ना आप? क्या तबीयत ज्यादा खराब है उसकी? काफी बीमार थी वो, लेकिन फिर भी उन जालिमों ने उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा लिया, साथ ले गए। ये तो अच्छा नहीं किया उन लोगों ने। वाकई उन लोगों ने उसे जबरदस्ती और सख्ती के साथ रखा हुआ उस घर में। आपकी बात हुई है उससे? हुई थी। फिर क्या कहा उसने? उसे वो कैद खाना पसंद आ गया, जुल्म सहने की आदत हो गई उसे। मतलब फिलहाल उसने कहा कि मैं उससे दूर रहूं, मिलूं नहीं, और उसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी और उसका घर बर्बाद ना करूं। हया ने आपसे वाकई कहा है कि आप अपनी जिंदगी और उसका घर बर्बाद ना करें? पता नहीं जौफर इलाही ने उसको कितना धमकाया होगा, कितना डराया होगा, और मुझसे दूर रहने की जबरदस्ती कसम भी खिलवाई होगी। मैंने तो खुद सुना था जो ज़ियान से वो कह रही थी, और इतना तो अब उसके बारे में जान ही गया हूं कि वो लड़की ना तो झूठी है और ना ही मुनाफिक। मगर ज़ियान का बेखौफ होकर इतने अतमाद के साथ बार बार उससे राब्ता करना, आखिर वो किस खुशफहमी का शिकार है? जवाब तो हया को देना ही होगा। मैं ऐसे खामोश होकर इन दोनों की तरफ से गाफिल तो नहीं हो सकता। एक बार बात तो करनी पड़ेगी उससे। मेरा ख्याल है तुम्हारी अभी जरूरत नहीं, अब ये ठीक है। पर ये अभी मुकम्मल सेहतियाब नहीं हुई। मुकम्मल सेहतियाब नहीं होगी, मेरा मतलब है बीमारी ही ऐसी है। बाहर ड्राइवर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, ये तुम्हारी फीस, जाओ। तुम्हारे ड्रामेबाजियां भी अब बंद होने चाहिए। सुबह मुझे तुम इस कमरे में दिखाई ना दो। और हां, परवीन के कमरे में भी अब तुम नहीं रह सकती। तुम्हारी बुरी सोबत उसके अच्छे भले किरदार को बिगाड़ सकती है। वैसे तो तुम्हारी जगह ना इस घर में है ना दुनिया में, फिर भी मजबूरी है। जाफर का नाम तुमसे जुड़ा है। खैर, परवीन तुम्हें बता देगी कि सुबह तुम्हें कहां रहना है।
तुम्हारी मौत का सदमा सबसे ज्यादा किसे? मुझे, मुझे ऐसे ही किसी और को हो भी कैसे सकता है? जानते हो, इस दुनिया में सबसे ज्यादा और सिर्फ मैंने क्यों चले गए तुम से, क्यों चले गए तुम जो क्यों चले गए? सयान, उसने आपसे वाजह तौर पर कह दिया कि अब वो आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, तो अब आप पर भी लाजिम है कि आप उसे भूल जाएं। वो बेवफा हो रही है तो मैं भी वफा करना छोड़ दूं? अब वो आपकी मोहब्बत नहीं, किसी और की बीवी है। अब उस पर भी लाजिम है कि वो अपने शोहर के साथ पूरी तरह से वफा करे। आपका तो ख्याल भी अब उसके लिए गुनाह है। सदफ प्लीज। सयान, निकाह की बड़ी हुर्मत होती है। ये रिश्ता पूरे दिलो दिमाग से बनता है और इस पर कुछ फराइज लागू होते हैं। सख्ती से, जरा सी बेईमानी इसकी हुर्मत को दागदार और निकाह करने वालों को गुनाहगार कर देती है। प्लीज आप इस बात को समझें। अगर निकाह किसी पर जबरदस्ती मुसल्लत किया जाए तो वो हुर्मत वाला नहीं बल्कि मुसीबत वाला होता है। दीन के मामलात में अगर इल्म ना हो तो बहस नहीं किया करते। आप प्लीज ऐसी कोई फजूल बात मत बोलें। आपका ये रवैया आपकी मोहब्बत की बेइज्जती कर रहा है। कुछ तो ख्याल करें अपनी मोहब्बत का। हाँ, तुम भी मुझे इल्जाम दो। मेरे जज्बात को समझने के बजाय छोटी छोटी मामलात की बारीकियां समझाओ मुझे। कैसी दोस्त हो तुम? मुझे तसल्ली देने के बजाय लेक्चर दे रही हो, मेरे जख्मों पर मजीद नमक छिड़क रही हो। बाज जख्म ऐसे होते हैं जिन पर दवा लगाने से पहले उन्हें छीलना पड़ता है, तभी दवा असर करती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जख्म भरने लगते हैं। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है, एक दिन आपके जख्म भी भर जाएंगे। मेरे दिल दे दर्द दुहाई दे, तेनू काश वैण सुनाई दे, इक वारी तू मेरे घोली आ जा, जा पा दे आके बिस्मिल। I know.